अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली गड़ियाल न्यूज़ और मैं हूं आसिफ मलिक। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की जानिब से आज एक मोबाइल मेडिकल यूनिट का इनाग्रेट किया गया है। तो मैं आपको बताते चलूँ, ये आप विजुअल्स में देख सकते हैं, ये मोबाइल मेडिकल यूनिट है जिसको आज बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ने डल में रहने वाले लोगों के लिए डोनेट किया है। मज़ीद हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की जो लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वो हमें इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के हवाले से जानकारी प्राप्त करेंगे, कितने फ्यूचर्स है इस मेडिकल यूनिट में। बेसिकली ये मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है ये तीनों चीज़ें कवर करेगा। डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम यहाँ पे स्पेशलाइज हेल्थ कैंप कंडक्ट करेंगे। हर महीने स्पेशलाइज हेल्थ कैंप होंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन से ऐसे सीवियर बीमारियाँ हैं जहाँ पे टाइमली रेफरल मिलना चाहिए। सेकंड कंपोनेंट जो है हमारा अवेयरनेस सेशन, जिसमें चीज़ें क्यों बीमारी क्यों नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है मोहल्ले में जाके लोगों को यूनाइट करके पब्लिक हेल्थ के आस्पेक्ट्स पे उनको अवेयर करेंगे कि उन बीमारियों क्यों नहीं होनी चाहिए, उसको क्यों कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये सेकेंड कंपोनेंट। और थर्ड कंपोनेंट है रेगुलर ओपीडी, जिसमें हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेवाएँ हैं वो हम कम्युनिटी तक देंगे। जैसे हमारा प्रॉपर रोस्टर होता है, हर रोस्टर में कौन से विलेज में कब जाना है ये पूरा कंप्लीट डिफाइन होगा, और ये डिफाइन के वजह से जो फॉलोअप के लिए पेशेंट हमारे डॉक्टर को फ़ोन भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी उनको कैसे लग रहा है, और इनकेस कोई इमरजेंसी या हायर सेंटर पर रेफरल चाहिए तो हम उनको रेफर भी कर सकते हैं। पे लैब फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, जो बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशन चाहिए अगर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है तो डेफिनेटली विल गेट देयर इन्वेस्टिगेशंस डन। सेकेंड हम यहाँ पे जो मेडिसिन देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जिसमें निघर नज़ीर कुरैशी, मैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन की ट्रस्टी मेंबर भी हूँ और मैं ये प्रोजेक्ट बोट MMU की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो एक्चुअली डल के इंटीरियर विलेज जो है वो काफ़ी इग्नोर थे। का एक लास्ट या दो साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बच्चे की डेथ हुई थी इसी की वजह से, क्योंकि वो बोट के अंदर रहता था, उसको बाहर लाने तक कोई मतलब इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी अवेलेबल जो जल्दी वो ठीक हो पाए। तो इसमें सबसे मतलब वो हमने फिर सर्वे किया, 40+ विलेजेस ऑलरेडी हमने सर्वे किए हैं, उसमें हमें पता चला बहुत ही ज़्यादा बाहर जो दिखता है डल, अंदर से काफ़ी इग्नोर है। बाहर टूरिस्ट को अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अंदर क्या है, अंदर के एरियाज़ बहुत ही इग्नोर हैं। तो हमने सर्वे किया है, उसमें काफ़ी जो रिमोट एरिया, काफ़ी इंटीरियर एरियाज़ है जो जिनको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ रोड एम्बुलेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे जब आते हैं, जब जैसे यहाँ से बाहर निकालना है तो यहाँ से फिर बाहर निकालने के बाद हमारे सर, मैं जया अय्यर हूँ, एज ए सीनियर एडवाइज़र रोल प्ले कर रही हूँ मोर देन 25 साल। और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से, वी आर रनिंग 5 ऑर्फनेजेस एंड वी डोनेट क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस टू गवर्नमेंट, BSF एंड आर्मी मोर देन 22। उस समय हम उसको चलाने लायक हमारे पास फंड नहीं था तो हमने गवर्नमेंट को ही दे दिया, आप लोग चलाओ। उसके बाद हमने शुरू किया MMU एम्बुलेंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट, जो हम पिछले साल गुरेश और जंगस्कार में चलाया, इस साल हमने कारगिल और बांडीपुरा में शुरू कर रहे हैं। सेम चीज़ कंटिन्यू हो रहा, वो है हमारा SBI के साथ कोऑर्डिनेशन। एंड इस बार जो हुआ दल लेक में, हमने सोचा बेचारा वो दल का जो पीपल है उनको केयर तो होती होगी बट हमारे द्वारा क्या हेल्प हो सकता है। फिर हमने HDFC को अप्लाई किया फॉर एम्बुलेंस, दे ओनली गेव अस द एम्बुलेंस एंड मेडिसिन। वी आर रनिंग एवरी डे OPD फैसिलिटी, प्लस कभी किसी को रात को ज़रूरत पड़े वो एम्बुलेंस वहाँ से लेके दल लेक तक आएंगे, किसी घाट पे हमारी रोड एम्बुलेंस है वो वहाँ खड़ा रहेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र करके हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ऑलरेडी हमने 22 विलेजेस दल का कवर कर लिया है और मुहर्रम पे भी हमें बहुत हमने हेल्प करने की कोशिश करी है। और सबसे खुशी की बात है, मुझे इरीगेशन लावड़ा गवर्नमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, दे आर टोटली हेल्पिंग अस लास्ट मोर देन 25 ईयर्स। तो मैं एंड साइमल्टेनियसली प्रेस को मैं कभी भी बुलाती हूँ वो डेफिनेटली हाजिर होते हैं फॉर आवर न्यू ऑर्फन चिल्ड्रन पब्लिसिटी।
थैंक यू सो मच सर।